फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर टुडे हाउ डिड हड़प्पन पीपल, ये नीचे पीछे किसके बैक में शोर हो रहा है उसको बंद करें जरा। हाउ डिड हड़प्पन पीपल, लिखा सभी ने, हाउ डिड हड़प्पन पीपल मैनेज देयर क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, हाउ डिड हड़प्पन पीपल मैनेज देयर क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके हाँ भाई, देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखना है अपने को आंसर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था, जैसे आज क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है उस समय भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती थी। तो देयर वेयर सो मेनी साइट्स वेयर अवेलेबल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का वर्क होता था, उसमें अपने को साइड हेडिंग लिखना है पहला आंसर का पहला पॉइंट, मोहनजोदड़ो वाज द सेंटर ऑफ। आप देखिए ये दिख रहा है आपको, ये स्लाइड दिख रही है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हाँ इसमें देखिए पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें साइड हेडिंग लिखना है अपने को, साइड हेडिंग मोहनजोदड़ो वाज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये साइड हेडिंग है। ठीक है लिखा सबने, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं अब। मोहनजोदड़ो वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन वर्क, यहां पर जो काम होता था मोहनजोदड़ो में, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, स्टील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन मोहनजोदड़ो, स्पेशली शेल कटिंग एंड मेटल वर्क वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा सेंटर था। दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ है साइड हेडिंग अपन लिखेंगे, चौथा पॉइंट देखिएगा लिखा हुआ है जो टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स एंड डिफर्ड अकॉर्डिंग, इसकी साइड हेडिंग लिखना है अपने को नागेश्वर एंड बालाकोट। सेकेंड साइड हेडिंग आएगी नागेश्वर एंड बालाकोट, फोर्थ पॉइंट की सेकेंड लाइन में ये लिखा हुआ है, देखा। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, नागेश्वर इन बालाकोट वेयर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग बैंगल्स एंड इनले विच वेयर टेकन इन टू अदर सेटलमेंट। देखिए क्या था, ये नागेश्वर और बालाकोट दोनों गुजरात में है, ठीक है, बालाकोट आज पाकिस्तान में है, नागेश्वर इंडिया में है, गुजरात की बॉर्डर पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, तो मेनली पार्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का कहाँ मिलता है अपने यहाँ पर, पाकिस्तान चला गया पार्टीशन के बाद, तो इंडिया में, हाँ इंडिया में नागेश्वर जो था सेंटर था, नागेश्वर और पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में बालाकोट, These were the two important centers for the shell cutting objects. Shell को कट करके जो अपने सी में मिलती है ना शेल, आप जानते होंगे, उनको कट करते हैं और उनको कट करके ये इसमें अपने डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट वर्क करते थे। नागेश्वर बालाकोट इम्पोर्टेंट है मैप के लिए भी, मैप में भी कई बार आ चुका है ये, मैप 6 नंबर का आएगा अपने को एग्जाम में 12th में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एंड मोहनजोदड़ो पहला सेंटर हो गया, दूसरा सेंटर नागेश्वर और बालाकोट हो गए, क्लियर है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम कहाँ कहाँ चलता था, मोहनजोदड़ो में, नागेश्वर और बालाकोट में। अब पता कैसे चलता है कि ये सेंटर थे भाई, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे प्लेस मिले हैं, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लेकिन हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट न्यू अबाउट दैट ओनली
दीज वेयर द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो पता कैसे चला है? साइड हेडिंग, तीसरी साइड हेडिंग यही आएगी, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, साइड हेडिंग ये लिखना है आपको, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना है ये। तो पता कैसे चलता है, पता कैसे चल रहा आर्कियोलॉजिस्ट को? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ कार्ड प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल सेल्स, कॉपर, कॉपर ओर्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्शन वेस्ट मटेरियल। क्या हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेस्ट मटेरियल, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम दीज साइट्स। इन सब प्लेसेस से ये सब चीजें मिली हैं, तब पता चला है कि ये सब सेंटर थी सारी प्लेस। समझ में आ रहा है? ये स्लाइड में दिख रहा होगा आपको। yes, sir. हाँ जी, इसमें नीचे अगली लाइन लिखी हुई है, इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, देन पीस ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वेयर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, बट minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. Means waste material, unfinished objects, other nodules, these were the mainly available in all these places, so that archaeologists could found that these were the places for the क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे आज अपने आज की स्थिति है, आज किससे 200 साल बाद मान लीजिए जबलपुर ना रहे और अपने कई सारे केंद्रीय विद्यालय, आपका घर है, मेरा घर है, तो हम जब जहाँ पर बुक्स मिलेंगी, फर्नीचर मिलेगा, स्कूल का समझ में आएगा कि यहाँ पर एक स्कूल रहा होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकवेट करते, खुदाई करते, तो उनको पता चलता है किस चीज से, किस चीज पर चलता है, वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, जो उन प्लेसेस में मिलती है। हाँ, अगला आ रहा है पॉइंट, इसमें स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए उनको मटेरियल कहाँ से मिलता था। ये देखिए आप, ये बाजू में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, आज का देखिए फ्राइंग पैन जैसा दिख रहा है, एक वेसल दिख रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये सारी चीजों के लिए इनको मटेरियल्स कहाँ से मिलता था, ये जो है इसके लिए हड़प्पा वालों ने क्या किया, ये क्वेश्चन भी आता है। वो क्वेश्चन वहां खत्म हो गया, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, बालाकोट, और तीसरा क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में और आप लिखते भी जाएं। What were the studies? ये किसकी नॉइज आ रही है भाई? देखो, जिसको निकलना निकल जाओ, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए मुझे। क्वेश्चन लिखिए, what were the studies? क्वेश्चन लिखो, What were the strategies adopted by Harappan people for procuring raw material? What were the strategies adopted by Harappan people for procuring raw material? लिखा सबने? देखिए, अब ये आंसर है, मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ। As is obvious, a variety of materials was used for craft production, while some such as clay were locally available. तो पहला पॉइंट क्या जाएगा साइड हेडिंग का? ना ना, क्ले नहीं, अवेलेबिलिटी फ्रॉम लोकल एरिया, रॉ मटेरियल
फ्रॉम लोकल एरिया, आई समझ में बात। पहली साइड हेडिंग क्या आएगी, अवेलेबिलिटी फॉर लोकल एरिया, जो लोग किसी कॉमन प्लेस में बैठे हैं वो एक सिंगल रूम में बैठ के पढ़ाई पढ़ाई किया करें जहां पे बिल्कुल शोर ना हो, समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या जाएगा, अवेलेबिलिटी फ्रॉम द लोकल एरिया। हाँ हाँ, तो लोकल एरिया से कौन सा रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल मिल जाता था, क्ले जैसी चीजें, क्लियर है। क्ले अवेलेबल था, क्ले वाज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स। दीज वेयर द क्ले वाज मेनली यूज्ड बाय द कॉमन पीपल हु वेयर लिविंग इन द लोअर टाउन, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। क्योंकि रिच पीपल कहाँ रहते थे अनुष्का, रिच पीपल कहाँ रहते थे, सिटाडल में, वेरी गुड। हाँ जी, अगला पॉइंट है, अगले साइडेंट लिखना है अपने को, अगले साइडेंट लिखो, फ्रॉम आउटसाइड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड एरिया, लिखी साइड हेडिंग ये, इसका आंसर लिखा हुआ आगे, मैनी सच एज स्टोन टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलिवल प्लेन, मीन्स स्टोन टिम्बर मेटल ये सब लोग बाहर से मंगवाते थे, ठीक है। अब बाहर से कहां से क्या क्या आता था अभी बताऊंगा आपको। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। इसमें वन मार्क का क्वेश्चन मिल गया अपने को एक, कि बुलक कार्ट्स का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, किसका, बुलक कार्ट्स का। रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड, मींस रिवराइन रूट्स मींस दे वर आल्सो यूजिंग द शिप्स आल्सो। सोच लीजिए आप कि उस समय भी शिप्स अवेलेबल होती थी, नाव अवेलेबल होती थी और उनके थ्रू वो सामान दूर दूसरी जगह से मंगाते थे। लोथल, लोथल विच इज लोकेटेड इन गुजरात, LOTHAL, लोथल इन गुजरात वाज द बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको कंपल्सरली अच्छे से नोट डाउन करो, लोथल बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात, लिखा सबने। लोथल, लोथल बिगेस्ट डॉकयार्ड पोर्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सब लिखते जाओ, जब कॉपी चेक करूंगा मैं सब देखूंगा मैं, लिखा बिगेस्ट पोर्ट, बिगेस्ट डॉकयार्ड पोर्ट यार्ड नहीं डॉकयार्ड पोर्ट फ्रॉम द ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, लिख लिया सबने। अब आप देखिए बाहर से क्या क्या मंगवाते थे, मैंने अभी साइड लिखवाई ना, मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। अब आप देखिए मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, अपने को यहाँ पे आंसर मिलेंगे, इसी के आगे अपने को अदर पॉइंट्स मिलेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, दिख रहा सबको, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, फॉर इंस्टांस दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर इन बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल, ये अपन देख चुके हैं पिछले वाले में। अदर सच साइट्स वेयर शोर्त घोई, अंडरलाइन देखिए साइड हेडिंग, अपन ने जो साइड हेडिंग लिखी है अभी अपन लोगों ने, फ्रॉम आउटसाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट फ्रॉम अफगानिस्तान ए ए करके, सेकेंड पॉइंट के अंडर में लिखिए ए,
फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या आता था, अफगानिस्तान में कौन सा प्लेस था, चोर्तगोई, चोर्तगोई इन फार अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली आता था अफगानिस्तान से। ये क्या था लैपिस लाजुली, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, क्लियर, लैपिस लाजुली वाज अ हाईली वैल्यूड ब्लू स्टोन होता था, जैसे आज समझ लो डायमंड और प्लेटिनम होते हैं, उस समय लैपिस लाजुली कहां से लाते थे, वो चोर्तगोई अफगानिस्तान से, क्लियर है। दूसरा लिखिए बी करके लोथल, लोथल जो मैंने अभी बताया था आपको, हाँ एल ओ टी एच ए एल लिखा हुआ, ये देखिए लोथल, लोथल से क्या मिलता था इनको, कार्नेलियन, कार्नेलियन भी एक स्टोन जैसा है, लोथल विच वाज नियर सोर्सेस ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात, लोथल से क्या मिलता था, कार्नेलियन, क्लियर है। लोथल से मिलता था कार्नेलियन, ये आप इसमें देखिए ना स्लाइड में लिखा हुआ है, ये फोर्थ लाइन। उसके बाद लिखिए नीचे थर्ड सी, ए बी लिखिए सी, स्टेटाइट, स्टेटाइट लिखा हुआ है एस टी ए ई ए टी आई टी ई, एस टी ई ए टी आई टी ई, स्टेटाइट कहां से आता था, साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से, स्टेटाइट एक पत्थर जैसा होता था, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, ठीक है। अगला लिखिए डी, कॉपर खेतड़ी राजस्थान से, नीचे वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, कॉपर फ्रॉम राजस्थान, 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 खेतड़ी लिखा हुआ देखिए आप, के एच ई टी आर आई, खेतड़ी बहुत बड़ी कॉपर माइन है खेतड़ी में, राजस्थान में आज भी, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से क्या आता था, कॉपर। ई लिखिए, साउथ इंडिया कर्नाटका से गोल्ड आता था, क्लियर। अब आप सोचिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी डेवलप्ड थी, कितनी वेल प्लान्ड थी, कि उस समय देयर वाज नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज अवेलेबल एक्सेप्ट सम बुलक कार्ट्स और एक्सेप्ट सम शिप, दे वेयर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ इंडिया कर्नाटका खेतरी राजस्थान इवन फार अवे फ्रॉम अफगानिस्तान। सोचिए कि कितना डेवलप्ड उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कि ये सब चीजें वहां से बुला ले रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए अगली स्लाइड में, कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लेंस, ये लिखिएगा तीसरा पॉइंट उसी आंसर का, अपन ने ई तक लिखा है ना, जो सेकंड पॉइंट का ई खत्म हो गया, थर्ड पॉइंट आएगा ये, कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लेंस, इन्होंने बहुत डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट डी आई एस टी ए एन टी टी एन टी, ये स्लाइड में लिखा हुआ है, स्लाइड सबको दिख रही है ना, स्लाइड सबको दिख रही है, हाँ अभी मैंने नहीं अभी नहीं ये कॉन्टेक्ट